मैं चलता हूँ। मैंने ये लल्ले तेरे से दूर हो गया मैं दर फरफरा के ऊपर अरा और ऊपर जान दे यहाँ पे क्लोज कर दे ये सब ले ले बोर्ड छोटा करो क्या नीचे आने कट कट भाई ग्लोबल की हेड है वो अपने को जॉब दे देना उसमें उसमें मिले बारी बता नहीं भाई ग्लोबल इंडिया है वो अपने को बहुत तरीके के जानते हैं तो कुछ करो करो ओके दादा थोड़ा सा साइड में दादा यहाँ चलो सही है ये दादा अरे मनोज भाई सखियों को बुलाना चाहूंगी सबसे पहले वो शख्स जिनके विश्वास के कारण ये फिल्म बन नहीं पाती जिन्होंने सपोर्ट किया और तभी जाकर के ये फिल्म आप सभी के सामने आज मैं लेकर के आई हूँ आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म मिस्टर विजय मूलचंदानी सर कैन वी प्लीज हैव यू ऑन स्टेज ऑल्सो कैन आई प्लीज हैव ऑन स्टेज द को प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म मिस्टर करण मूलचंदानी आइए प्लीज सर वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस क्या खूब ट्रेलर लग रहा है फीलिंग बड़ी अच्छी होगी एक एक्स्ट्रा माइक देंगे प्लीज जरा यहाँ पर सो मच यही रखिए प्लीज एक और माइक कैसा लग रहा है अब आपको आपने फाइनली ऐसा बड़े पर्दे पर यहाँ पर सबका रिएक्शन भी देखा है एवरीबॉडी इज लाफिंग एंड क्लैपिंग कैसा लग रहा है ऐसा तालियां बजते हुए देख करके बहुत ही बढ़िया लग रहा है और इस पिक्चर की जब से शुरुआत जो की है वो अंकल ने की है इनकी वजह से ही जो है शुरुआत हुई है हैशटैग यारम की जी एक चीज जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ विजय जी आप बताना चाहें या करण आप कि इंडस्ट्रीज में रहते हुए बिजनेस बैकग्राउंड से होते हुए वो क्या समय था जब आपने सोचा कि अब बॉलीवुड में एंट्री ली जाए अब ये है जो हमारा अगला पड़ाव होने वाला है कैसे सोचा आपने ऑलरेडी हमने अपनी हर बात तो नया करना चाहिए जी तो ये भी प्लान जैसी है उसको भी अपनी किस्मत देखें किसकी और ग्यारह इस वही नेक्स्ट मूवी और ग्यारह के लिए है तो न्यू यूथ के लिए मेरे को बहुत अच्छा लगा तो लोगों को भी अच्छा लगेगा Wonderful thing that you are doing and we hope कि अब इसके बाद में बार बार लगातार हम ऐसी ही फिल्में देखते रहें थैंक यू सो मच आप यहीं पर स्टेज पे रहिए मेरे साथ मैं उसी के साथ बुलाना चाहूंगी द कैप्टन ऑफ द शिप उस शख्स को जिन्होंने कि इस फिल्म को डायरेक्ट किया है लेकिन उसी के साथ में ये बहुत बुली भी हुए हैं प्रतीक से ये मैं प्रतीक से बाद में पूछने वाली हूँ आई नो दैट आई हैव ऑल द इनसाइड स्टोरीज of the film hashtag yaram ladies and gentlemen always smile always ji thank you so much for joining me on stage hi hello thank you everyone सबसे पहले तो आपसे भी यही जानना चाहूंगी ये जो इमेंस रिस्पांस मिल रहा है अब ट्रेलर को अब कैसा लग रहा है अब थोड़ी शांति हुई है oh i'm very excited right now i am sure and nervous also too
एंड जो बुली वाली बात आप बोल रहे थे जी, उससे ज्यादा इन प्रतीक ने मेरे को बहुत बुली किया है मॉरिशस में इन एंड आउट, बट यस दे वर वेरी कॉपरेटिव एंड दे हैव डन दे वेरी नाइस जॉब, यू नो वी लव देम इन दोस कैरेक्टर्स व्हाट दे हैव प्लेड. आई थिंक यू आर जस्ट ट्राइंग टू कवर अप फॉर योर कास्ट. मैं उन लोगों से पूछूंगी उनकी क्या कारिस्तानी है, sure. उसके लिए वेट करना है. बट यू नो वी आर कॉलिंग दिस अ न्यू एज कंट्रोवर्शियल बट येट न्यू एज लव स्टोरी. आपको मुझे बताना है, डू यू रियली फील दैट देयर हैज बीन अ डिफरेंस, जो पहले रिलेशनशिप्स होते थे और अब कुछ बदल गए हैं, ऐसा हुआ है क्या? Yes, of course, because now things are changing very fast. We are into digital era and all stuff. But yes, jo relationship ka jo meaning tha, wo halke halke change ho raha hai. And that's what we have put, tried to put it in this movie. Ki, there are certain social problems which are there, but we want to convey the youth, today's audience, ki unko kaise samjha ja sake ki kaise unko tackle karna chahiye. तो इस पे मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी एंड पक्का लास्ट सवाल है ये मेरा. आई हैव एक्चुअली टू मेनी थिंग्स इन माय माइंड दैट आई वुड लाइक टू आस्क यू, बट देन इन दैट केस इट लुक्स रियली फन एंड थ्रिलिंग एंड दो दोस्त एंड लड़कियां एंड ऑल ऑफ दैट एंड लुक्स लाइक अ वेरी नाइस यूथ सेंट्रिक फिल्म. लेकिन ये क्या ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है या ट्रू स्टोरीज पे बेस्ड है, ऐसा है क्या? यस वेरी मच. ये जितनी भी पूरी कहानी है ये अपने ही सोसाइटी से निकाली गई है. And the problem, जो problem ये picture deal करती है, it's not about India, it's about around the world, जो कुछ women, certain society के women face करती है. तो it's not about only Indian problem, it's about around the world, जो भी women हैं वो उनको face किया जाता है. तो certain things will come up very sure after the trailer. That's right. Actually, I would like to add there कि there is a twist जो कि इस कहानी के plot में आने वाला है, बहुत ही जल्दी पता चलने वाला है. You guys have to wait for that and your mind will be blown when you come to know what the movie is actually standing for. But with this, I would like to call on stage the cast of the film. सबसे पहले the very handsome Pratik Babbar, you, the outstanding performer Siddhant Kapoor, the gorgeous Subha Rajput, and the beautiful Ishita Raj. Wow, I think I should go there. Aap log please just take the pic there. Yeah, please go. We have these hotnesses here. That is why garmi ho rahi hai. Okay. Sabse pehle to Oh yeah. Can we have some more mics here, please? Jo extra mic hai yahan pe de dijiye. Yeah, I'll just keep these two extra mics. Give me the picture. Yeah, thank you. So, सबसे पहले तो जहां पे हमने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे. क्या आपने अपने डायरेक्टर साहब को बुली किया? क्या कर रहे थे आप दोनों मिलकर के, बताइए जरा. ये यारम के नाम पे क्या चल रहा था टॉर्चर? पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. थैंक यू, आप सब आए हमें सपोर्ट करने. और ये ट्रेलर देख के हम बहुत खुश हो गए और थोड़ी थोड़ी नर्वसनेस कम हो गई है. लेकिन आगे फिल्म भी देखनी है, हम लोग फिल्म देखी नहीं है. लेकिन सो फार सो गुड, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इंट्रीगिंग लग रहा है. और कमिंग बैक टू यू, हम लोग ने कुछ बुली नहीं किया. नहीं सर, ऐसे ही कह रहे, हम लोग ने कुछ नहीं किया. चार चार बच्चे उठाते थे सर हमें और हम लोग पहुँच जाते थे. एक महीना तो हम लोग वी एक्चुअली शॉट इन मॉरिशस में फिल्म शूट किया हम लोग ने. तो हमने यार मॉरिशस में आके 4 बजे कौन उठता है, लेकिन करना पड़ा. और एक तो कहीं ऐसा बुलिंग तो नहीं हो रहा था कि उन्होंने कॉल टाइम सुबह के 4 बजे का दिया था और आप दोनों दोपहर में 4 बजे पहुंच रहे हैं? ऐसे कुछ नहीं हुआ. नहीं, बुलिंग हंसी मजाक मस्ती यार मोहब्बत में. बट दैट्स वंडरफुल. वो मटेरियल निकलने वाला है जो हम लोग ने शूट किया है. मैंने बहुत सारे वीडियोस लिए ओएस सर के और स्नैपचैट वीडियोस अलग अलग से, यू नो, उनको औरत बना दिया था, डोंकी बना दिया था. तो वो आई थिंक मेकिंग में हम डालने वाले हैं अभी. चलिए तो अब तो मेकिंग का भी ऐसे लॉन्च करना पड़ेगा यहाँ पर. इट्स गोइंग टू बी अ बिग हिट. आई थिंक बहुत खिंचाई हुई है दोनों. हम सर की करते थे, सर हम हमारे करते थे, अब हम चारों सब सबकी खिंचाई करते थे. अब ये इट वाज अ गुड टाइम.
वेरी ब्लेस्ड टाइम, बहुत ब्लेस्ड थे हम उस वक्त के लिए और उस दौरान उस शूट पे यू नो बहुत ही पॉजिटिव एटमोसफियर था. और आई थिंक इसीलिए अगर फिल्म अच्छी हो तो उसी लिए अच्छी होगी सर, बिकॉज़ एंड जस्ट अ हैप्पी प्रोएक्टिव पॉजिटिव. But you know, taking from there, Pratik, actually, मेरा अगला सवाल जो है वो थोड़ा सा different होने वाला है, because we've been having fun and you know we've been talking about all the happy things and quirky things around the movie. लेकिन जितना ये film एक youth centric love, controversial love story, या betrayal वगैरह के बारे में लग रही है, I have heard. So please tell me, you know, if I'm wrong, but correct me. But I've heard कि इस movie में कुछ love jihad के बारे में भी बात हो रही है. One of the boys converts the religion and all of that. So tell me something about it if you're comfortable. That's correct. Absolutely. नहीं, वे बिल्कुल comfortable हैं. It's a part of the story and it's a very strong issue, you know, in today's world. और ऐसे काफ़ी और इश्यूज हैं जो हम बात नहीं करना चाहेंगे, अभी वो फिल्म देख के आप जान जाएंगे. लेकिन सिंस आपने कहा है लव जिहाद, को हल्का हमने एक टॉपिक ब्रश किया है कि जब एक इंसान, एक रिलीजन का इंसान, एक अलग दूसरे रिलीजन के इंसान के साथ शादी करना चाहता है कन्वर्ट करके, दैट इज द प्रोसेस ऑफ लव जिहाद. तो वो हुआ है इस कहानी में, वो थोड़ा बहुत है. और भी कुछ कंट्रोवर्शियल और सेंसिटिव टॉपिक्स हैं जो हमने टच किए हैं और एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज दिलाता है उसमें आपको देखने मिलेगा. तो यस, ये है. सो इट्स नॉट ओनली अबाउट फन एंड गेम्स और दोस्ती यारी के बारे में, सिर्फ वही नहीं है, इसमें बहुत ही सेंसिटिव स्ट्रॉन्ग इश्यूज हैं जो हम होप करते हैं कि ऑडियंस रिलेट करें, रेजोनेट हुए और समझ पाए कि कितने महत्वपूर्ण होते हैं. That is wonderful and I think इससे बेहतर जरिया नहीं हो सकता है ऐसा एक टॉपिक हमारे यंग जेनरेशन के सामने लेकर के आने का. So wonderful and making it look so young and fresh is you know the key. So yes, I think absolutely that always is successful there. That's also yeah, which is perfect. Of course there is उसमें तो कुछ कहने की बात ही नहीं है, मतलब ये सक्सेसफुल हो गया. मैंने आपको बताया ये सक्सेसफुल की हो गया. इसी तरह आपसे हम पूछना चाहेंगे, एक यहाँ पे एक सवाल मूवी ने रेज किया था, टीजर के साथ में ये रेज कर दिया था कि प्यार दोस्ती है, लेकिन क्या दोस्ती प्यार है, क्या दोस्ती में प्यार होना चाहिए? आप थोड़ा इसके बारे में क्लैरिफाई करेंगे, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, प्यार में दोस्ती होना या दोस्ती में प्यार होना? ओके, हेलो, हाय, थैंक यू फॉर कमिंग. As you've seen the trailer, we've tried to attempt to make, try to touch a social topic. Yeah. And tell it through, a light-hearted, easy movie. So, we're trying to tell what is more important, either it's love or it's friendship. It's actually, you can't pick one. It's also interconnected and it's all, even in love you need to have friendship and even in friendship you need to have love. So that's exactly hello. Yeah, so that's exactly that we're trying to convey through the story, that you can't pick. You can't pick between a friend, or you can't pick between a friend and a girlfriend, or probably the girl you love. You have to make choices in your life which will inculcate every relationship that you have, right? And you need to value all of it. मतलब प्यार में बिट्रेल जो है उसके बारे में सब बात करते हैं, लेकिन दोस्ती के धोखे के बारे में अब बात करेंगे हम इस फिल्म के साथ में. सिद्धांत, मैं आपसे ना एक बहुत ही मजेदार सवाल करने वाली हूँ. यू हैव टू टेल मी अबाउट द ब्रो कोड. ओके, आई हैव हर्ड कि लड़कों में ना देयर इज अ ब्रो कोड, चाहे वो लड़की को लेकर के हो या बाकी चीजों को लेकर के हो. गुड इवनिंग एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने के लिए. ब्रो कोड हम दोनों के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, तो एक ब्रो कोड बहुत स्ट्रॉन्ग चीज होती है, लेकिन वो कभी कभी ना वो फिसल जाती है. उसमें ऐसा होता है ना कि मतलब ये मेरी वाली है तो तेरी भाभी है फॉरएवर. आजकल के इफ यू नो आजकल के जमाने में रिलेशनशिप्स आर नॉट एज व्हाट इट यूज्ड टू बी लाइक 20 इयर्स अगो. एब्सोल्युटली, ये जमाना बदल गया है, लोग शादी करने से डर रहे हैं आजकल, लोग शादी करने के बाद डर रहे हैं आजकल. लेकिन
एक ऐसा मैसेज है जो इशिका ने मेंशन किया, बहुत ही फन लविंग मूवी में, बहुत ही दोस्ती यारी हुए हुए हम चार चारों के बीच में जो कहानी और अनीता मैम और दलिता इन सभी फिल्म में है, तो इट्स अ फन लॉट, बहुत ही अच्छा क्रू है हम लोगों का, बहुत ही ज़्यादा ब्रदर्स हम लोगों ने बना दिए फिल्म में, लाइक ओएस सर उनको बहुत बोली किया हमने, तो एक ब्रो कोड जैसी चीज़ है जो कभी फिसल सकती है. Also, yeah, I would like to mention bro code se apne bola. If there's romance in the film, it's only between these two. Oh, so, the so it's a bromance. Yeah. So this is the offset I'm telling you. Yeah. We didn't see a scene jahan pe aisa aap t-shirt bhi utar ke dete hain. Ye tere t-shirt. Fekte hain. Hum log real life ki tarah breakup patch up aur. Log bahut kuch soch rahe hain ki t-shirt nikal ke phenk diya hai kya? Real life mein hamara breakup kabhi nahi hua hai. Breakup inka to nahi hua. सुबह सब लोगों ने यहाँ पर बोल दिया है कि बहुत मजा आया. मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ कितना मजा आया. Also because मुझे अंदर की बात पता चली है that the shoot क्योंकि Mauritius में था, so it was kind of like a vacation for everybody. Is that true? Thank you Vijay sir for giving us a very good vacation. मुझे अब क्यों बुलाया? मुझे तभी बुला लेते ना, मैं तब से एक host कर लेती anchor for the movie. बताइए. Yeah, it was like a vacation, especially for me because I had a lot of pops and I could just go around and explore the place. It was amazing. Thank you for choosing the location. We have an off. We cannot go and party because of early morning call time. But it went like an absolute breeze. हमें पता नहीं चला हम काम कर रहे हैं. जब हम लोगों ने फिल्म सीन्स देखे थोड़े बहुत कुछ रशेस देखे. बहुत ज़्यादा काम हुआ है वो एक महीने में और बड़े डायलॉग और लंबे और मोनोलॉग टाइप का. हमें तो Distributor for the film and has been a part of 30 to 40 films before this as distributor, being a part of this event and for supporting the film. Please aaiye yahan par. Thank you so much. Hello. I like to just ask Shakti sir to come on, please. Oh yes, please. Sir, please, without your Shakti sir, classics, please. We not work. Please. Sir, please. Thank you for coming, Paul. Sir, लेकिन आपसे जानना जरूर चाहूंगी मैं, आपने ट्रेलर देखा है अब तो what is the feeling? आपके पास इतने सालों से आप देखते आ रहे हैं फिल्में बदल रही हैं, कैसी बदली हैं, आज कैसा लगा आपको ये ट्रेलर देख के? मुझे बोले काम में बोलता सिर्फ फिल्म की तारीफ करना, उसके अलावा कुछ नहीं करना है. मुझे लगा मैं कोर्ट में खड़ा हूँ, मैं जो कुछ बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा. पहली बार ये जिंदगी में बेटे की फिल्म रिलीज है और बाप आया है और बाप नर्वस हो रहा है. नहीं मैं एक्चुअली तो दोनों मेरे बेटे हैं, मैं तो छोटे छोटे किस्से सुना रहा था प्रतीक को भी, जब ये पैदा भी नहीं हुआ था मैं अस्पताल गया था इनकी मम्मी को मिलने,
और फिर ये पैदा हुआ ब्रिज कैंडी में, फिर एक सितारा धरती पे जन्मा जिसका नाम है प्रतीक। और सेम हॉस्पिटल में मेरा बेटा पैदा हुआ, यानी कि मेरे दोनों बेटे मंच पे खड़े। आई विश यू ऑल द बेस्ट और थैंक यू। बस इतना ही, और कुछ नहीं। सिर्फ एक चीज और बोलूंगा, मैंने गलती से फिल्म देखी है, पूरी फिल्म देखी है, चुपके से जाके ऑफिस में देखी है। और आज मेरी बेटी मुझे बोलेगी कि मेरे फंक्शन में तो आप कभी आए नहीं, बेटे के फंक्शन में चले गए। मैंने कहा भैया, बेटे की ये फिल्म है जो इंडस्ट्री के अंदर हंगामा करेगी, क्योंकि बहुत बढ़िया फिल्म है, दोनों ने बहुत, सब ने बहुत अच्छा काम किया है। एंड आई वॉज रियली मूव्ड इमोशनली इन दिस फिल्म। दोस्ती क्या होती है, वो जज्बा क्या होता है, डायरेक्टर साहब का काम बहुत अच्छा है। आई लव यू डायरेक्टर, अगली फिल्म में तो कुछ दे देना हमको। और प्रोड्यूसर साहब का दिल बहुत बड़ा है, तो बहुत अच्छा खर्चा किया है। और डिस्ट्रीब्यूटर आए हैं, इन्होंने बोला कि मैं हिंदुस्तान में जितने थिएटर हैं, अगर बाहुबली को मिले थे 6,000 और अगर साहू को मिले थे 10,000, मैं 15,000 थिएटर लेके आऊंगा। सर मैं झूठ नहीं बोलूंगा, हाँ बाहुबली की जो ताकत होती है उस हिसाब से थिएटर मिलते हैं, और पिक्चर के हिसाब से थिएटर मिलते हैं। आई विल डू माई बेस्ट कि मैं इस पिक्चर के लिए इतना बेहतरीन कर सकूंगा, क्योंकि विजय मूलचंदानी इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो मैं अच्छे से अच्छा करूँगा कि ये पिक्चर मैंने खुद भी आपके साथ देखी है, बराबर आप भी थे वहाँ पे, तो मुझे पता है कि पिक्चर में दम है, तो मैं लेवल बेस्ट ट्राई करूँगा कि मैक्सिमम थिएटर करके दिखाऊँ। थैंक यू सो मच सर। Thank you so much, all of you. Let's have a quick photo walk, ladies and gentlemen. सभी लोग जो हैं यहीं पर हैं। हम बॉबी रानी जी से भी कहेंगे कि प्लीज आइए सर स्टेज पे, ज्वाइन कीजिए, सो प्लीज आइए।